कहने को तो कहते हैं कि मंदिरों में भगवान होते हैं, कहने को तो कहते हैं मंदिरों में भगवान होते हैं, मुझे लगता है कि भगवान के नाम पर शैतान रहता है, भगवान के नाम पर शैतान रहता है। जरा ये बात को समझ के रखना, ये बात सच है कि वहां पे मंदिरों में भगवान के नाम पर शैतान रहता है। वो कैसे, ये आप घटना ये वीडियो देखिए। आप इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में ये जो तीन बाबा हैं और इसके चारों तरफ में जो पुलिस है, ये तीन बाबाओं ने क्या किया, ये तीन बाबा महाराष्ट्र के एक मंदिर में रहते हैं और वहां पे एक लड़की जाती है कुछ दिन के लिए शरण लेने। वो शरण कैसे लेने जाती है, क्योंकि उसके घर में शायद कोई विवाद हो गई, अब विवाद होने की वजह से वो जाती है उसी मंदिर में शरण लेती है। लेकिन इन पुजारियों की नीयत इतनी खराब हो जाती है कि इन पुजारियों ने उसके शाम के खानों में नशीली पदार्थ मिला देते हैं, और नशीली पदार्थ मिला देने के बाद इन तीनों ने बारी बारी से उसका बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसका गला घोट कर को उसको मार डाला, मारने के बाद उसको उसी पहाड़ी पर से नीचे फेंक दिया। जब कुछ दिन बाद उसकी लाश पुलिस वालों को मिलती है तो पुलिस वालों ने छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तो मंदिर के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये पता चलता है कि यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने ही यह कारनामा किया हुआ है। जब ये सारी बात उनको पता चलती है पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की तो जो पुजारी होते हैं उन्होंने कबूल किया। जब कबूल किया उन्होंने तो उन लोगों को जेल में डाला गया। अब आप ही बताइए, ये कहानी है पूरा की पूरा एक मंदिर की। कहीं सुनने में आता है कि मस्जिदों में भी ऐसा होता है, जो मौलवी होते हैं वो कर देते हैं, तो आप ही बताइए मस्जिदों में भी ऐसा। यानी कि बात करें कि मंदिरों में रहते हैं भगवान और मस्जिदों में रहते हैं अल्लाह, मुझे तो नहीं लगता कि न मंदिर में भगवान है न मस्जिद में अल्लाह है, दोनों ही दोनों बातें गलत हैं। क्योंकि अगर भगवान होते तो वहां शैतान ना होते, अगर शैतान होते तो भगवान नहीं इसका मतलब। और कहते हैं भगवान सबकी रक्षा करता है, मुझे तो नहीं लगता। बताओ जहां पे भगवान रहता है वहीं पे उस लड़की का बलात्कार हो जा रहा है, तो कैसे माने कि भगवान रक्षा करता है। भगवान जब उसके शरण में रहने वाली लड़की का इज्जत नहीं बचा सकता, उसकी जान नहीं बचा सकता, तो आप बताइए, आप तो आम रास्ते पे चलते हैं तो आपकी इज्जत कैसे बचा सकती है, नहीं बचा सकते। आपसे मैं ये की बात कह रहा हूं कि ये मंदिर और मस्जिद के चक्कर काटना बंद कर दो। मंदिर और मस्जिद के जिस दिन से आप चक्कर काटना बंद कर दो, मैं आपको निश्चित कहता हूं आप उस दिन से खुशी जिंदगी जियोगे। कि मंदिर और मस्जिद के चक्कर में ही आप अपनी जिंदगी के कमाई यानी पैसे को वहां पे दान दे आते हो, उन बाबाओं को दे देते हो कि जिन्होंने भारत देश के आजादी में उनका कोई योगदान नहीं, भारत देश के उन्नति में उनका कोई योगदान नहीं, भारत देश को बल्कि अवैज्ञानिक की ओर ले जाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। वो लोग भारत देश को इतनी ज्यादा अवैज्ञानिक क्षेत्र में ले जाते हैं कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। भारत देश को अवैज्ञानिक यानी कि अवैज्ञानिक इतना से इतना ज्यादा बना देते हैं वो लोग, इतनी ज्यादा झूठी झूठी बात बता देते हैं कि हमारे यहाँ की महिलाएं तो सबसे ज्यादा इसमें लिप्त हैं, हमारे यहाँ की पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़े लिखे पुरुष जो हैं वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं। अगर उनका पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर ऐसी वो कृत्य करते हैं तो उनका पढ़ा लिखा नहीं होना तो अनपढ़ ही ठीक था, ये आप समझ लीजिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई गॉड नहीं, याद रखना आप ही सब कुछ हैं। आप अपनी स्वयं की सुरक्षा करें। इस दुनिया में किसी बाबा या जो मौलवी होते हैं उन पर विश्वास कभी मत, पंडित पुजारियों पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, ये बात याद रखना, आप खुद पर विश्वास करिए। इसी के साथ आगे बढ़िए, मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐसे ऐसे जो पुजारियों को तो कदाचित माफ नहीं करना चाहिए, इनको सरासर फांसी की सजा दे देनी चाहिए। ये मेरी कहानी है, तो आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन जो मौलवी जो पुजारी जो पंडित पुरोहित हैं इनके काले कारनामे सबके सामने आ सके। मैं ऐसी ही वीडियो आप सभी के सामने लाता रहूंगा। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।